today on behalf of East Gopuran Silik All Borough Student Union. We want to convey our message. Today we want to give some message to the people regarding the murder case of Alebo Sumatari of Village Milonpur, Post Office Alupara of Bishnupur District in Assam. We, the East Gopuran Silik Committee, EPSU, would like to thank the Police Department of Arunachal Pradesh for the helping us in the recovery of dead body of the Alebo Sumatari and arresting the accused, and also recovering the two missing children. In the particular case, we would also like to thank Arunachal Pradesh Police to bring back the dead body of Alebo Sumatari of his native village and handing the dead body to the victim's family. We thank the SIT Crime Branch Department of Police Headquarters, Itanagar, for their tremendous hard work in their investigation and drafting the search sheet. We would also want to thank All Nisi Student Union, Nisi Allied Society, All Nisi Youth Association, Lain Tara Welfare Federation, Women Commission for Justice, Arunachal Pradesh, for their cooperation in particular case. We hope the victim's family get justice and culprit get punishment by the Honorable Court. Lastly, we appeal to the people of Assam and Arunachal Pradesh to keep the peace and harmony intact between the two states and leave us good neighbor. Thank you. और आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के जरिए हम असम और अरुणाचल के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2016 में अरुणाचल की किमिंग में एक औरत किसी ने मार के उन्हें रास्ते में फेंक के चला गया था, और बाद में हमें पता चला कि वो औरत कोई और नहीं, वो औरत ईजीएससी अंसुली के अंदर ही मिलनपुर नाम की एक गाँव से, जिनका नाम अलेप बसुमतारी है। और उस समय इन्हें एपी पुलिस के थ्रू के जरिए हम धन्यवाद देते हैं कि अरुणाचल पुलिस को, क्योंकि अरुणाचल पुलिस के थ्रू के जरिए हमें यह पता चला कि ये असम की एक औरत जिनका नाम अलेप बसुमतारी है। और उस समय हम लोगों ने काफ़ी प्रशासन को, हम लोगों ने दबाव किया था कि जिन्होंने इस काम को किया है उन करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनके लिए हम लोगों ने प्रशासन को दबाव किया था। और उस समय हमारे साथ अरुणाचल की बहुत सारे संगठनों ने भी हमें मदद किया था, जैसे अंशु, ANSU, NES, ANYA, लेटारा वेलफेयर फेडरेशन, वुमेन कमीशन फॉर जस्टिस AP, उन लोगों ने, वो जितने भी संगठन हैं, वो संगठनों ने हमें मदद किया था कि हमें, जिन्होंने इस काम को किया, जिन्होंने बेरहमी से एक औरत को मार के रास्ते में फेंक के चला गया था ताकि उन्हें हम अरेस्ट कर सके, उनके लिए और अरुणाचल की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन लोगों ने भी हमें काफ़ी हद तक मदद की कि उन लोगों ने एक सही ट्रू चार्जशीट बनाई, उनके लिए उन लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जिन्होंने इस काम को किया है वो कोर्ट के जरिए अच्छा उन परिवार को, जिन परिवार ने अपनी माँ को खोया है, उन्हें एक अच्छा न्याय मिले, हम यही चाहते हैं। और हम लास्ट में ये भी कहना चाहता हूँ असम और अरुणाचल के लोगों को, आगे जाके ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग असम के लोगों को भी अरुणाचल को ज़रूरी है, अरुणाचल के लोगों को भी असम को ज़रूरी है, इसलिए हमेशा हम एक भाई भाई की तरह, ब्रदर सिस्टर की तरह हम रह सके, ना कि हम एक दुश्मन बन के रहें। और हम यही चाहते हैं कि हम हमेशा आगे जाके ऐसा ना हो, और कभी भी हम गलत की साथ नहीं देना है, क्योंकि अगर ऐसे लोग अगर हमारी सोसाइटी में रहेंगे तो हमारी सोसाइटी ख़राब बनती जाएगा, ताकि हम ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी से हम दूर कर सके। इनके लिए हम चाहते हैं कि कोर्ट से भी एक अच्छा सही जस्टिस मिले इन परिवार को। बस इनाव करते, थैंक यू।